हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग, वो है उनका नंबर सीरीज। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो? नंबर सीरीज पर हम लोग जान लेते हैं लोग इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2021 में, ठीक है, लगभग 4 to 5 क्वेश्चन केवल नंबर सीरीज आया है 2021 में, बस 4 to 5 क्वेश्चन। उसके बाद आप देखा जाए 2020 में, 2020 में देखा जाए तो क्वेश्चन कितना है, 2 to 3 क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में आपका 3 क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ है, और 2017 में आपका 3 क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप एवरेज देखिए तो 2 to 3 या 4 क्वेश्चन आपका फिक्स है इससे आना। तो ये चैप्टर स्कोरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में भी बहुत टाइप का होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी होता है, सीरीज बहुत टाइप का होता है, जैसे नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और एक दो सीरीज होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर सीरीज, ये केवल जो आए हैं नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए कुछ सीरीज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज। चलिए पहला सीरीज देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ 6 और 9 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 3 है, या 9 और 12 का डिफरेंस देखेंगे तो भी 3 है, या 12 और 15 का डिफरेंस देखेंगे लोग तो 3 है, और 15 और 18 का डिफरेंस देखेंगे लोग 3 है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग 3 का ही डिफरेंस लगाएंगे लोग, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। यही जो होगा वो आपका आंसर होगा, 21, समझे? पर जो भी होगा लोग डिफरेंस देखेंगे लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिएगा मल्टीपल है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 50 2 2 30, यहाँ अगर आप देखिएगा तो 32 जा 60, फिर यहाँ देखिए तो 62 जा 120, फिर आप यहाँ देखिएगा तो 122 जा कितना होता है, 240 होता है। फिर हम लोग यहाँ के लिए क्या करेंगे लोग, 240 × 2 कर देंगे लोग, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा आपका 480, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसको, पर देखते हैं किस फॉर्मेट पे। यहाँ देखिए 3.5 है, 7 है, 10.5 है, 14 है, तो अगला टर्म क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, यही हम लोग को बताना है। इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो ये डबल होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ कितना ऐड हुआ है, 3.5 हुआ है, फिर 7 में कितना ऐड करेंगे लोग, 10.5 होगा तो 3.5 हो जाएगा, फिर 10 में कितना ऐड करेंगे लोग कि 14 होगा तो देखा जाएगा 3.5 है, फिर आगे कितना ऐड करेंगे लोग, 3.5 ही ऐड करेंगे लोग, सेम पैटर्न चलेगा ना आगे भी। तो यहाँ अगर 14 में 3.5 ऐड करेंगे लोग तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17.5, जो कि आपका आंसर होगा, समझे? देखिए यहाँ सब पे 3.5 3.5 3.5 3.5, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको बताइए, सेम मैं ही इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए क्या है डिफरेंस, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस लेंगे लो, यहाँ 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ चेक करेंगे लो 9 आएगा कि नहीं, यहाँ अगर 7 लेंगे लो तो यहाँ 17 हो जाएगा, और 17 में 9 ऐड करेंगे लो तो 26 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 है, 5 है, 10 है, या क्वेश्चन मार्क है 26 है। जैसे हम लोग यहाँ देखें लो 3 है, यहाँ क्या है, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए लोग क्या लोग, अगर 7 यहाँ लेते हैं लोग तो यहाँ हो जाएगा 17, फिर इसमें 2 और 8 करेंगे 17 में 7 में 2 8 करेंगे तो यहाँ होगा 9, और 17 में 9 8 करेंगे तो 26 होगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा, समझे? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस पैटर्न पे है, इसमें डबल नंबर पूछा है, इसे आप ट्राई कीजिए। आपको देते हैं 15 सेकेंड, आपको मिलता है 15 सेकेंड, ठीक है, इसे आप ट्राई कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ आप देखिएगा इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 2 है, फिर इसका और इसका डिफरेंस देखिए कितना है,
इसका डिफरेंस 2 है, फिर अब इसका और इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 2 है, फिर यहाँ जो आएगा उसका भी डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 और यहाँ जो होगा वो हो जाएगा 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा एक, एक 11 हो जाएगा। पैटर्न समझ में आया ना, यहाँ देखिए यहाँ 17 है तो यहाँ 2 कम 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 14 है तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है, या 15 है तो यहाँ भी देखिए डिफरेंस 13 हो जा रहा है, फिर जो यहाँ है वो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे चला जाएगा, सेकेंड वाला क्वेश्चन मार्क पे चला जाएगा, और जो यहाँ वाला होगा ये वाला ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 13 में से 2 जाएगा तो 11 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, चलिए इसको बनाते हैं। इसका जो देखा जाए डिफरेंस होगा 2, इसका डिफरेंस हो जाएगा 4, इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका 8 और इसका डिफरेंस हो जाएगा 16। और वो देखेंगे लोग हर एक बार 2 में मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से 2 2 हुआ तो 4 हुआ, 4 फिर से यहाँ 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, फिर यहाँ 8 का डबल 16 हो जा रहा था, 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, 32 इसमें 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा 69। नहीं समझे फिर से समझाता हूँ आपको, यहाँ 7 और 9 का डिफरेंस देख लो तो 2 है, 9 और 13 का डिफरेंस 4 है, 13 और 21 का डिफरेंस 8 है, और 20 और 37 का डिफरेंस 16 है, तो यहाँ क्या हर एक बार डबल हो रहा है, यहाँ 2 था तो 4 हो रहा है, यहाँ 4 है तो 8 हो रहा है, 8 हो रहा है तो 16 होगा, तो 16 जब होगा तो यहाँ 32 होगा, जब 32 37 में 8 करेंगे लोग तो आंसर क्या हो जाएगा 69। और हम क्या करते हैं 2021 में जो जो क्वेश्चन आए हैं सीरीज से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको चलिए सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है जो नीम से 2021 में आया हुआ है वो क्या है, पढ़िए, चूज द नंबर ऑफ फियर डॉट कॉम नेक्स्ट, यहाँ भी डबल क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, डबल नंबर फाइंड करना है, चलिए इसको फाइंड करते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए, आपको मैं देता हूँ 15 सेकेंड। जिसका हो गया होगा वो कमेंट कर देंगे, ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, आपका टाइम अब समाप्त हो रहा है, इसमें देखिएगा यहाँ जो डिफेंस है 6 का है, यहाँ देखिएगा 6 का है, तो हमारा जो यहाँ भी आएगा वो 6 का हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 13 13 6 19 हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ यहाँ आपका 30 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन पे आपका 40 हो जाएगा, तो जो आपका आंसर होगा वो 19 और 40 होगा। यहाँ एक एक छोड़कर गैप देखना, ठीक है, यहाँ 1 है यहाँ 7 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है, फिर 7 और 13 का डिफरेंस 6 है, फिर यहाँ 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 10 है 20 हो जाएगा, 20 30 फिर ये 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका निमसेट 2021 में आया हुआ है, क्वेश्चन क्या हुआ है, यहाँ फाइंड द मिसिंग टर्म दिया है, यहाँ 7 रेशियो 56 दिया है, फिर यहाँ 9 और क्वेश्चन मार्क दिया, तो चलिए फाइंड करते हैं, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं ना ऐसे इज इक्वल टू 9/1। इसे कट करेंगे लोग तो 1/8 होगा, ठीक है, इसको भी 1/8 बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको 9 9 8 72, फिर आपको यहाँ 72 रखना पड़ेगा तब लोग 1/8 आएगा, यहाँ 72 तो आपको ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, चलिए कर मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को छोड़िए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में कहीं मिसिंग है कुछ, मैं इसको एक बार चेक करके आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपका 2021 में आया हुआ है, चूज द नंबर पेयर ऑफ ए ग्रुप डेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसे क्या करना है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो अलग है,
पहले हम लोग चेक करते हैं, यहाँ देखिएगा 1546 दिया हुआ है, या 1237 दिया हुआ है, या 928 दिया हुआ है, 833 दिया हुआ है। तो आप देखिएगा ये जो नंबर है 15 3 या 45 प्लस 1 प्लस, फिर आप इसको देखिएगा बी ऑप्शन को 12 3 या 36 प्लस 1, आप यहाँ इक्वल टू कीजिएगा तो आपका ये 46 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 37। यहाँ देखिए 9 × 3 प्लस 1 आपका हो जाएगा 28, यहाँ देखिए 8 × 3 प्लस 1 तो आपका हो जाएगा 25, 25 होगा, जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है 33, तो ये आपका जो है औरों से अलग होगा, तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 8:33। समझ में आया कैसे हो, देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ये जो आंसर दिया हुआ है ये जो है ये ऑप्शन डी, ये अलग पैटर्न पे है, इसमें क्या कर डिफरेंट फाइंड करना है कि डिफरेंट कौन है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझे। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ये आपका 2021 में आया हुआ है, सॉरी 2020 में आया हुआ है एक क्वेश्चन, नीम से 2020 में आया हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं। इसमें आप देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है बताते हैं आपको, चलिए यहाँ देखिएगा प्लस 3 हो रहा है, यहाँ देखिए प्लस 3 हो रहा है, और यहाँ देखिए प्लस 3 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन मार्क दिया रहता तब क्या होता, फिर यहाँ देखिए यहाँ प्लस 5 हो रहा है, यहाँ भी देखिए प्लस 5 हो रहा है, यहाँ भी 17 प्लस 5 हो जाए तो 22 होगा, जो अगला होता यहाँ भी प्लस 5 करें तो 27 होता, और एक और क्वेश्चन मार्क दिया रहता तो आंसर क्या होता है, एक होता 20 एक होता 27, ये आपका 2020 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए ये भी आपको 2020 में आया हुआ है, एक ऐसी क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं, लोग सेम पैटर्न पे जो अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया इसी पैटर्न पे है, ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसी पैटर्न पे जो मैंने अभी आपको दिखाया सेम उसी पैटर्न पे, आप इसको कोशिश कीजिए। चलिए इसको मैं आपको फिर देता हूँ आपको 15 सेकेंड, 15 सेकेंड काफी है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। कमेंट कीजिए कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना हो सके शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए मैं बनाता हूँ आपका, टाइम अब समाप्त हुआ। इसमें देखिए क्या हो रहा है, गैप देखा जा रहा है यहाँ प्लस 2 हो रहा है, यहाँ देखा जाए तो प्लस 4 हो रहा है, यहाँ देखिएगा तो प्लस 8 हो रहा है, और यहाँ देखिएगा तो कितना होना चाहिए, यहाँ डबल हो रहा है, इसमें क्या करें रॉन्ग नंबर फाइंड करना, तो इसमें देखना है कौन सा नंबर रॉन्ग है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ सब डबल रहा है, 2 4 बन रहा है, 4 8 बन रहा है, तो यहाँ 16 बनना चाहिए प्लस 16, और 16 होगा तो आपका आंसर करना कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ आपका 16 होना चाहिए प्लस में, ठीक है। फिर अगला चेक करते हैं कितना पर सही होता है कि नहीं, यहाँ प्लस 32, अगर डबल करेंगे तो प्लस 32 होगा, अगर 86 में 32 एड करते हैं तो कितना जाएगा, 118 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 32 का डबल करेंगे तो कितना जाएगा, 64 हो जाएगा, 118 में 64 एड किया जाएगा तो 182 होगा, जो हमारा रॉन्ग नंबर होगा वो 84 हो जाए होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 84 होगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ डबल हो रहा है, 2 है तो 4 हो रहा है, 4 है तो 8 है, 8 है तो 16 है, 16 है तो 32 है, 32 है तो 64 है, तो यहाँ जो पैटर्न था 84 जो दिया हुआ है पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो जो हमारा रॉन्ग नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है 84 की जगह, अगर 84 की जगह क्वेश्चन मार्क रहता है तब क्या आंसर आता है, तब हमारा आंसर आता है 86, समझे। ये जो क्वेश्चन है ये नीम सेट, जो अगला क्वेश्चन है वो नीम सेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको इसको एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं करता हूँ।
चलिए मैं ट्राई करता हूँ। इसमें देखिए क्या हो रहा है, पैटर्न देखते क्या है। यहाँ क्या हो रहा है, 16 × 2 + 1 हो रहा है। यहाँ देखिए क्या होगा, 33 × 2 - 1 फॉलो हो रहा है पैटर्न। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो 65 × 2 + 1 होगा। यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 131 × 2 - 1 पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक बार देखिए, एक बार प्लस वन हो रहा है, एक बार माइनस वन हो रहा है, एक बार प्लस वन हो रहा है, एक बार माइनस वन हो रहा है। अगली बार जो होगा वो क्या होगा, आपका प्लस वन होगा। तो 261 × 2 + 1, इसको इसका आंसर लाइए, देखिए आंसर कितना आता है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 = 2 / 22 + 1। तो आपका आंसर जो होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मांगा जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 523 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सीरीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छा नंबर आता है इससे। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन इससे भी अच्छा मार्क्स क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग ये आपका हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसी अगर आप देखा जाए 2 और 2 4, तो इसे देखा जाए टोटल कितना क्वेश्चन आया था आपका, लगभग 15+ क्वेश्चन होता है। ये 4 टॉपिक से आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 टॉपिक से। तो इसको आप लोग अच्छा से प्रिपेयर कीजिएगा, मैं तो वीडियो में आपको पढ़ाता ही रहूँगा। जो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, यानी सैटरडे को, सैटरडे और संडे, ठीक है, आपका क्वांट चलेगा, क्वांट चलेगा, ठीक है। और आपका जो देखिए मंडे टू फ्राइडे आपका रीजनिंग चलेगा, सैटरडे एंड संडे अब क्या चलेगा, क्वांट, क्वांट एप्टीट्यूड चलेगा, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है क्वांट में जो पढ़ाई होगा सैटरडे को, वो टाइम एंड वर्क होगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क होगा। टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग। हमारे वीडियो को आप लोग बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे से भी करवाइए, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो है MCA इंडिया ऑफिशियल, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।